वजीर आजम का यूएई, तुर्की और ईरानी सदूर से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और ईरानी सदूर ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तीनों दोस्त मुल्कों की क़यादत का सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। इस्लामी ममालिक की तंजीम ने रुकन मुल्कों से पाकिस्तान के सलाम मुतासरीन के लिए मदद की अपील कर दी। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए 15 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। पहले से सैलाब ज़दा जनूबी पंजाब मजीद डूबने का खतरा। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तहसील लैया, तहसील करोड़ लाल ईसन के इलाके खाली करने के लिए ऐलानात। इंतजामिया के मुताबिक नया सैलाबी रेला 9 लाख क्यूसिक का हो सकता है। आज मियांवाली, बखर, डीजी खान, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीमिया खान के अजला मुतासर होने का खदशा। दरियाए सवात में बनने वाले छोटे से जजीरे में एक गाशकोड़ के मकाम पर 43 अफराद फंस गए। ये अफराद लकड़ियां पकड़ रहे थे कि बड़ा सैलाबी रेला आ गया। रेस्क्यू के लिए कोशिशें जारी। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई इलाके जेर आब आ गए। चारसद्दा जिला महमद का जमीनी रास्ता मुनकते। बलोचिस्तान में मजीद 6 डैम टूट गए। ज्यारत, पशीन और मस्तूम के इलाके डूब गए। जिला केच में सैकड़ों देहात पानी पानी। वाशे, खुजदार, बुलान में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। गैस सप्लाई मौतल होने से एलपीजी की कीमत डबल हो गई। बलोचिस्तान में अमवात की तादाद 238 हो गई। 61,500 घर तबाह। 1,45,000 माल मवेशी हलाक। 2 लाख एकड़ पर फसलें बर्बाद। 18 पुल टूट गए। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी।